तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दो फ्री फायर की मेरी शानदार सी और प्यारी ऑडियंस के लिए मैं शानदार सा ग्लो लेके आया हूं, जो कि आप कैपकट के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही कम टाइम में बना सकते हैं। एक बार बस इसको अच्छे से देख लो, अच्छे से समझ लो, तुम बहुत ही अच्छे से बना लोगे, ठीक है। तो ये है प्रीव्यू, तुम लोग देख सकते हो कि कितना शानदार लग रहा है और ऐसा कलर का ग्लो बनना भी थोड़ा रेयर है, ठीक है। तो जो इस ग्लो ट्यूटोरियल में बनाया है ना दोस्तों, वही वाला मैंने आपको प्रीव्यू दिखाया है। तो फोटो में इसलिए बनाया है दोस्तों क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करते ही वीडियो में मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर कट हो जाता है, बहुत ज़्यादा हैंग होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं फोटो में बना रहा हूँ, आपको पता ही है। तो मैं आप फोटो में बना रहा हूँ तो ये मत सोचना कि आप वीडियो में नहीं बना सकते हो, और अगर बनाओगे तो वैसा सेम नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा बनेगा अगर आप बस ध्यान से देखना, ठीक है। तो चलिए फटाफट से कैपकट का ये ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। अगर कैपकट का लेटेस्ट वर्जन नहीं है तो मेरे कमेंट से डाउनलोड कर लेना, ठीक है, और क्लिप भी दी है कमेंट में ही। तो चलिए फटाफट से कैपकट ओपन कर लेते हैं और फिर अपना काम शुरू करते हैं। तो मान लीजिए ये वो वीडियो है, फोटो है, जो भी, ठीक है। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट में जाना है और ब्राइटनेस को देखो दोस्तों, अपने को थोड़ा सा कम करना है। हालांकि इफेक्ट लेने के बाद अपन थोड़ा बहुत और देखेंगे, लेकिन फिलहाल अपन ये देखते हैं। कॉन्ट्रास्ट को फुल किया है, सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ाया है और एक्सपोजर को गाइस बढ़ाया है, ठीक है। देखो ब्राइटनेस में क्या होता है कि वो पूरा जो है इमेज की ब्राइट होती है, एक्सपोजर में वही ब्राइट होता है जो आपका एक ऑलरेडी ब्राइट है। शार्पन फुल कर दिया, इसके बाद HSL में आते हैं, ठीक है। तो HSL के अंदर देखो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पहले मैं चेक करता हूँ, ठीक है। आपके सामने ही पूरा जो है खुद ही बना रहा हूँ, ठीक है, कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि पहले बना चुका हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने लुमिनेंस कम किया है ब्लू के अंदर, और इसका मैं लुमिनेंस कम करके देख रहा हूँ, ठीक है। तो देखो लुमिनेंस ज़्यादा करोगे तो मतलब वो वाइट होगा थोड़ा सा, ठीक है, ब्राइट होता है, और लुमिनेंस कम करने पर डार्क होता है, ठीक है, वही कलर डार्क हो जाएगा अगर लुमिनेंस कम करोगे तो, ठीक है। और इस कलर को देखो मैं, आप जो है अगर कलर कम करोगे, आप किस कलर में बनाना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है, मैं आपको जिस कलर में बना के बता रहा हूँ तो उस हिसाब से मैं सेटिंग कर रहा हूँ, बाकी मैंने कोई सेटिंग नहीं की है। इसके अलावा एक बार एडजस्टमेंट में मैं विग्नेट थोड़ा सा कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी ठीक है, ज़्यादा विग्नेट मत करना वरना फिर वो ग्लो काम नहीं करेगा, मतलब काम करेगा अच्छा नहीं लगेगा उतना। तो इफेक्ट देखो गाइस, JVC इफेक्ट अपन यहाँ पे लेने वाले हैं। तो देखो JVC इफेक्ट की जो है कैटेगरी चेंज हो गई, सारे इफेक्ट की कैटेगरी चेंज हो गई है नए कैपकट में। तो JVC इफेक्ट आपको मिलेगा रेट्रो के अंदर, और जो एज ग्लो होता है वो मिलता है लेंस के अंदर, ठीक है। तो JVC वाला फिलहाल मैं यहाँ लेता हूँ। अब देखो मैं जो है वॉयलेंट कलर में बना रहा हूँ, लेकिन मैं वॉयलेंट कलर नहीं चूज़ करूँगा यहाँ पे कलर के अंदर, ठीक है, ब्लू चूज़ कर रहा हूँ। और इंटेंसिटी मैंने फुल रखी है और फिल्टर जीरो कर दिया है, फिल्टर बहुत ही बेकार है इसका, वो मत लेना, ठीक है। अभी देखो इसके बाद ना मैं लेने वाला हूँ एज ग्लो, और एज ग्लो कहाँ मिलता है दोस्तों, वो मिलता है आपको लेंस के अंदर। तो लेंस के अंदर ये रहा, अभी से ले लो, थोड़ी इनकी फ़ोटोज़ भी चेंज हो गई तो नाम पट लेना, ठीक है। तो एज ग्लो मैं यहाँ पर 9 से 12 तक रखूँगा, ठीक है, 9 से 12 बहुत है, अपना काम हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा मैंने आपको कहा था कि हो सकता है एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़े, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा कर रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, देखो दोस्तों जो है ब्राइटनेस को मैं थोड़ी और कम कर रहा हूँ और बाकी सब ठीक है। आप इसे एक बार जो है अब एक्सपोर्ट कर लो, ठीक है, एक बार एक्सपोर्ट करो और इसे फिर से न्यू प्रोजेक्ट में अपने को लेना है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट मैं यहाँ पे कर देता हूँ और मैं फिर से इसे न्यू प्रोजेक्ट के अंदर लेता हूँ। एक्सपोर्ट हो जाने के बाद देखो वो जो है सिर्फ 3 सेकंड का ही है, तो मैं फटाफट से ले लेता हूँ यहाँ पे। अभी इसमें बस नॉर्मल सी कुछ सेटिंग करनी है आपको, वो है एडजस्टमेंट के अंदर, एडजस्टमेंट में चलते हैं। यहाँ पे देखो HSL में जाना है, ठीक है, और ब्लू कलर को जो है आपको सब पूरा राइट की साइड ले जाना है, फुल 100 करना है। और देखो लुमिनेंस थोड़ा बढ़ाना गाइस, ठीक है, क्योंकि आप देखोगे पूरा अगर ब्लू को राइट साइड ले जाओगे तो कुछ ज़्यादा ही सैचुरेटेड हो रहा है, तो लुमिनेंस बढ़ा देना, लुमिनेंस से थोड़ा ब्राइट हो जाता है। हालांकि जो दूसरा कलर है ब्लू वाला, उसके अंदर लुमिनेंस पूरा बंद करना वरना कुछ ज़्यादा ही ब्राइट हो जाएगा। तो इतना ठीक है, अभी मुझे लग रहा है कि ठीक बन रहा है। इसके अलावा कोई दूसरे कलर तो लेने से कुछ खास चेंज हो नहीं रहा है, लेकिन कर लेते हैं। अभी देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस फिर से यहाँ कम करता हूँ, और थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट है यार दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं करना है यहाँ पे। अब अपना ठीक लग रहा है, अब तुम जो है इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, बहुत ही शानदार बनने वाला है, ट्राई जरूर करना, अगर ना हो तो इंस्टा पे मैसेज करना। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।